बड़ा जो रोड़ा बना हुआ है जिसको हम लोगों ने पदाधिकारी बनाए, जैसे अभी एक लड़का ने प्रस्ताव रखा पदाधिकारी बनाया जाए, केंद्रीय कमेटी का गठन किया जाए। हम लोगों ने कई बार केंद्रीय कमेटी का गठन किए, उसमें से चोर डकैत निकला, उसको निकालने के बाद फिर नया लोगों को गठन किया, क्या नहीं किया, उसमें से गड़बड़ हुआ, फिर हम लोगों ने फिर गठन करने का काम किया, कभी बाढ़ में करने का काम किया गठन, कभी राजगीर में गठन करने का काम किया, कभी हम लोगों ने दिल्ली में करने का काम किया, तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर गठन करने का काम किया। ऐसे माफिया लोग हैं जो हमारा काम को बाधित करना चाहता है। आपने देखा इसमें से 3% आदमी है जो आंदोलन में भाग लेने का काम किया था, बैठे हुए हैं उसमें से 50% है जो आदमी आंदोलन में भाग लेने का काम किया था, बाकी लोग तो जाता ही नहीं है कि आंदोलन क्या होता है। हम लोग 98 से लड़ाई करते, कई बार हम लोगों ने भारत सरकार के समक्ष धरना प्रदर्शन खड़ा करने का काम किया, हम लोगों ने जेल जाने का काम किया, हम लोगों पर देशद्रोह केस हुआ उसको लड़ने का काम किया, तमाम मुश्किलों के सामना करने के बाद हम लोगों इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि भारतीय रेलवे भारतीय मतदान संघ का झंडा पूरे हिंदुस्तान में लहराने का काम कर रहा है, उसमें आपका भी सहयोग है। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, अभी सबसे बड़ा संयंत्र चल रहा है कैसे संगठन को बदनाम किया जाए, ताकि जो काम हमारा चल रहा है, हमने पहला महाधिवेशन किया आप लोगों के नेतृत्व में, उसका गांधी मैदान के समक्ष जो किस मूल्य माहौल है वहाँ दिए थे, उसमें तत्कालीन रेल राज्य मंत्री माननीय सिन्हा जी आया और उन्होंने कहा इस पर विचार करेंगे। फिर हम लोगों ने दूसरा महाधिवेशन किया हम लोगों ने आसाम में जाकर के वहाँ राजन वहाँ राज्य मंत्री ने हम लोगों को QR कार्ड दिया, तीसरा महाधिवेशन वहीं किया आसाम ने, उसमें हुआ कि हम पर फिर आगे की लड़ाई का विचार करेंगे। तो चौथा महाधिवेशन हम लोगों ने किया तो हम लोगों के लेबर डिपार्टमेंट में भारत सरकार रेल ने कहा कि जिस दिन आपको आई कार्ड श्रम मंत्रालय दे देगा उस दिन आप लोगों को हम नौकरी दे देंगे। हम लोगों ने फिर महाधिवेशन किया, उसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लाया हम लोगों ने लखनऊ में, उन्होंने उस समय हम लोगों से शासन देने के बाद भारत सरकार ने एक श्रम विभाग में 3 करोड़ लागू किया जिसमें भारतीय रेलवे मार्ग बनाकर अव्वल स्थान दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने महाधिवेशन करने का काम किया जिससे हम लोगों को रिलीज करने का पावर मिला और पूरे हिंदुस्तान में रिलीज हो रहा है। हम चाहते हैं इसके बाद भी जो अंतिम पड़ाव है इसके लिए भी हम लोग एक महाअधिवेशन का आयोजन करें। उस महाधिवेशन में भारत सरकार के कई मंत्री को हम लोग आमंत्रित करेंगे। हम चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री उसमें आवे, देश के गृह मंत्री आवे, रेल मंत्री तो आएगा ही, श्रम मंत्री आवे और जो भी हम लोगों का बचा खुचा है उसको वहां करके ला करके उसे उखार बिंदु से हम अपने लोगों को भूल कर पहुँचाने का काम करें। हमें चौकीदारी करना होगा, चौकीदारी करने के लिए जो दुष्ट आत्मा है जो मजदूरों को काम होने देना नहीं चाहता है और इस सर्विस संघ के नाम पर लूट देने का जो काम किया है पूरे हिंदुस्तान में और भारतीय रेलवे ने भाग बना का QR कार्ड ने यहाँ से दिया है, पैसा खा दिया है या क्या क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। QR कार्ड नहीं बनवाया, अनिल कराया, श्रम आई कार्ड बनाया और वो लोग चाहता है कि भारतीय रेलवे मार्ग बना में काम करने वाले मजदूरों का काम हो जाएगा तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए संगठन को ही सर्वनाश करने का काम करने जा रहा है। वो लोग विचार किया है कैसे सभी संघ को बदनाम किया जाए, कैसे महामंत्री को फंसाया जाए, कैसे प्रभारी को फंसाया जाए, कैसे मकाना के मार्ग नाम के सिवानों को फंसाया जाए, कभी अरुण को फंसाया जाए, शिव प्रसाद को फंसाया जाए, तमाम हिंदुस्तान में हमारे इकाइयों को फंसाने का साजिश चल रहा है। उसके पीछे पीछे भारतीय रेलवे मार्ग सर्विस संघ का भी सिपाही चल रहा है। उसको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में किसी का अवकाश नहीं है जो अनुपासमान का बेटा को बिगाड़ सके जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं इस सवाल के माध्यम से आज आपको बताना चाहते हैं कि आपको सजग रहना होगा,
बहुत से आप लोगों को बुला करके कहीं नकली नोट दिखा करके फोटो लेकर के बात करेगा, किसी तरह से नाना प्रकार से जो आपको जानता है, जो आपके बीच में रहता है, और से लोगों ने ऐसा काम करने का जिम्मा उठाया है, क्योंकि कहीं 500 आदमी से, कहीं 200 आदमी से, कहीं 50 आदमी से उसे ठगने का काम किया है, और यहाँ युवा कार नहीं बनाया, यहाँ लिंक नहीं कराया, भारत सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं किया है, तो पागल हो गया है। वो पागल होकर के चाहता है काम को ही रोक दे, ताकि हम कहें सबको किसी का होगा तो तुम्हारा होगा। इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित करना है और उस पर FIR करो, उस पर केस करो, नहीं सुने तो पकड़ के लाओ, उसको सिखाओ कि रेलवे माल बनाता चिंता क्या है। वह लड़ना जानता है, अधिकार दिलाना जानता है, तो जब अधिकार दिलाने से रोकने का काम करेगा उसे कुछ डरना भी हम जानते हैं। मेरा नाम अरुण पासवान है। तो दोस्तों मेरे भाई, जिसका QR कार्ड नहीं बना है वह बनवा दो, जिसको लिंक नहीं हुआ है करवा दो, अन्यथा वो कहाँ है कभी कथन कीजिए, फिर मेरे दिल में ना समय नहीं है। जिस दिन महाधिवेशन हो जाएगा उस दिन QR कार्ड और लिंक खत्म हो जाएगा, वो जिसका होगा जिसका भाग में होगा। हम लोग सब बेटा के लिए किया है, हम कोई भी बाप हर बेटा को पढ़ाता है, एक समान पढ़ाता है, एक ही किताब आगे देता है, एक ही कंपनी का कलम देता है, एक ही कलम कंपनी का पेंसिल देता है। कोई पढ़ के IAS बन जाता है, कोई BPSC करता है, कोई चपरासी रह जाता है, कोई हरबहा बन जाता है, कोई लोफड़ हो जाता है, कोई लंगा हो जाता है, कोई 10-5 बार बेटा के बाप के साथ ऐसा होता है जिसके पास 18 लाख बेटा